हेलो दोस्तों, आज हम लोग मूसी स्टेडियम आए हैं जो कि ज्ञानपुर रोड पे पड़ता है और आज छोटी दिवाली है। तो मैं पहले यहाँ पे रनिंग करने आता था लेकिन मेरा ओवर एज हो गया इसीलिए मैं छोड़ दिया। दोस्तों ये मूसी स्टेडियम है, यहाँ सबका अलग अलग अपना अपना गेम है, अपना अपना पिच है और सब लोग अपना अपना अलग से इसको डेकोरेट किए हैं। ये कुछ सजावट हुआ है जो कि आप देख रहे होंगे और मेरे साथ हरेंद्र और सोनू भी है। दोस्तों जो आप ये देख रहे हैं ये खो खो वाले का है, यहाँ पे खो खो होता है, उन्होंने अपना सजाया है लाइट से। और उधर जो आप देख रहे हैं वो रनिंग ट्रैक है, ये आप जो देख रहे हैं वो रनिंग ट्रैक है, सजा हुआ है ट्रैक पूरा। अब हम लोग रनिंग वाले ट्रैक पे चल रहे हैं और इसके चारों तरफ मोमबत्ती लगी है और ग्राउंड पे डीजे भी आया है। अब इस समय हम लोग रनिंग वाले ट्रैक पे और इधर डीजे भी है, आइए हम थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं और ट्रैक कितना किस प्रकार सजाया गया है। तो ये रनिंग ट्रैक है, हम लोग उसमें रनिंग ट्रैक पे थोड़ा चल रहे हैं और ये दिवाली यहाँ थोड़ा अजीब ही गजब मनाया जा रहा है। ये रनिंग ट्रैक है और बीच में हॉकी वाले अपना अलग से डेकोरेट किया है मोमबत्ती को। ये सुबह दौड़ते हुए आगे जा रहा है इसका पूरा आनंद लते हुए। और ये बास्केटबॉल शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे बास्केटबॉल होता है, उन लोग अलग से अपना डेकोरेट किए हैं। वहाँ पे बास्केटबॉल वाला ट्रैक है, आपको दिख रहे कुछ मोमबत्ती यहाँ पे बुझ भी गई हैं और मैं आपको हो सकता है काफी अच्छे तरीके से नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि कैमरा हम लोग का उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन तब पर भी बहुत अच्छा डेकोरेट किया गया है मोमबत्ती से। ट्रैक अभी यहीं तक सजाया गया है, अभी उधर से मोमबत्तियां लग रही हैं। अब हम लोग फुटबॉल वाले ट्रैक पे चल रहे हैं, यहाँ तो गजब ही यार, मैं तो पहली बार आया, सुबह में यहाँ बार बार आता था। सुबह में इसके बारे में बताओ यार, यहाँ पे क्या होता है? फुटबॉल वाले प्लेयर्स अपना खेलते हैं इसलिए मोमबत्ती से यहाँ पे सजाए हुए हैं। वो ट्रैक वाला था, ये फुटबॉल वाला। यहाँ पे हम शुभम को काफी अच्छे तरीके से नहीं दिखा पा रहे हैं, शायद उसका चेहरा नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन उस हाँ वो इस स्टेडियम के बारे में काफी अच्छी तरीके से जानता है क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे रनिंग करने आता था वो। शुभम हम लोग के पूरी स्टेडियम के बारे में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, आज बता रहा है क्योंकि हम लोग के स्टेडियम के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। ये हम लोग से घर से लगभग 10 से 12 किलोमीटर के ज्यादा ही पड़ता है, इसलिए हम लोग यहाँ कभी आते नहीं है। दोस्तों अब हम लोग क्रिकेट स्टेडियम की तरफ चल रहे हैं जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है इस स्टेडियम में, और यहाँ जहाँ तक उन लोग की बाउंड्री है शायद वहाँ तक उन लोग पूरी मोमबत्ती से डेकोरेट किए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मोमबत्तियाँ सजाई गई हैं। ये क्रिकेट वाले अपना अलग से डेकोरेट किए हैं मोमबत्ती का और बहुत ही अच्छी तरीके से, आपको शायद नेट भी दिख रहा होगा उन लोगों का, और ये सब क्रिकेट वाले हैं। यहाँ पे रंगोली सजाई गई है, आज देखते हैं किस कौन सी रंगोली है कैसी है, और ये गणपति जी का रंगोली बनाया गया है। तो दोस्तों इधर काफी अंधेरा था, हम लोगों ने आपको दिखाया जैसा कि क्रिकेट वालों ने अपना अपना सजाया हुआ है, यहाँ हर एक जिसका जिसका अपना अपना गेम है, जिसका अपना अपना सब गेम है, सब अपने अपने ट्रैक पे अपने फील्ड पे मोमबत्ती से कोई दीप से कोई लाइट से अपना सजाया हुआ डेकोरेट किया है। और डांस हो रहा है डीजे पे, वहाँ पे अब डीजे बज रहा है, अब हम लोग उधर चलेंगे और देखते हैं। अभी डीजे बंद हो चुका है इसीलिए सारे लड़के लोग पागल हो रहे हैं। हम लोग डांस बहुत किए और हम लोग भी डांस बहुत किए, एंजॉय बहुत किए, और डीजे जा चुका है, अब हम लोग भी घर के लिए निकल रहे हैं। रात भी बहुत हो चुकी है, हम लोग घर भी जा रहे हैं, अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग यहीं पे वीडियो अपने स्टेडियम में एंड कर रहे हैं। और आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी हिट जरूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दोस्तों एक चीज बताना हम भूल ही गए थे, आप सबको छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपके घर वालों को भी।